क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें लिखा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin ax plus bx upon ax plus sin bx। तो यहां पर जैसे हमने लिमिट रखी है sin 0 हो गया 0 bx, यहां पर x क्या होगा 0 की तरफ टेंड, तो ये ऊपर 0 आ गया नीचे आ गया 0, तो 0 by 0 फॉर्म है। 0 बाय 0 फॉर्म में हमें कुछ कॉमन तो लेना पड़ेगा न्यूमरेटर से और कुछ कॉमन डिनोमिनेटर से, या ऐसे कह सकते हैं एक फैक्टर तो कैंसिल करना ही पड़ता है। तो यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि यहां पर ऊपर हम x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और नीचे भी x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने x कॉमन लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर थोड़ा ध्यान देंगे, sin ax अपॉन x प्लस बी हो गया, और नीचे जब x कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। यहां से देखिए जब x कॉमन लिया जाएगा तो यहां पर एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन एक्स, अगर हम x को इंक्लूड कर दें तो यही आ जाएगा। अब यहां पर ये देखो कि ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम इस पे ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे कि यहां पर साइन ए एक्स है, अगर यहां ए आ जाए तो इसकी वैल्यू वन होगी, अगर यहां ए लिखोगे तो यहां ए से बैलेंस करना पड़ेगा, और नीचे देखो साइन बी एक्स तो यहां पर हमें बी चाहिए तो यहां बी से हमने बैलेंस कर दिया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू वन है और ये एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू भी वन है। क्वेश्चंस करते वक्त आप ऐसा दिखाएंगे नहीं, मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है कि ये लिमिटिंग वैल्यू 1 है, ठीक। तो अब जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, a plus b, लिमिट तो अप्लाई कर दी इसकी वैल्यू 1, a कांस्टेंट है अपॉन a plus b। अब ध्यान से देखिए यहां लिखा हुआ है कि ab a plus b is not equals to 0, तो अब ये 0 by 0 फॉर्म में नहीं हो सकते, इसका मतलब ab कोई और कांस्टेंट्स होंगे, और जब कांस्टेंट है और जीरो नहीं है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1।